हेलो फ्रेंड्स, मैं मोहम्मद आरिफ आप लोगों का एक बार फिर से सनोवर कोचिंग सेंटर पर स्वागत है। आज हम देखेंगे भक्ति आंदोलन का सेकंड भाग। इससे पहले हमने इसका एक भाग डाल दिया है, मुझे उम्मीद है आप लोगों ने वो देख लिया होगा। यदि नहीं देखा हो तो देख लेना, क्योंकि एग्जाम में अगर हम बैठेंगे तो यहाँ से एक दो ऑप्शन बनने की पूरी संभावना रहती है, और अगर वो ऑप्शन हमारा आ गया और उसी की वजह से हमारा सिलेक्शन हो गया तो बहुत खुशी होती है। और मान लो ऑप्शन आ गया भक्ति आंदोलन में से, या इससे पहले हमने डाला है सूफी आंदोलन, तो और वो क्वेश्चन हमने देखा नहीं, हमारा याद करें और मेरिट आपकी लग गई पॉइंटों में, आप पॉइंट से रह गए या एक नंबर से रह गए, तो काफी उसका दुख होता है और फिर लंबे समय तक हमें इंतजार करना पड़ा। तो ऐसा क्यों हम समय आने दें ताकि हमें ज्यादा इंतजार करना पड़े, हम अपनी पढ़ाई को एक साथ लगातार लेकर न चले। आइए शुरू करते हैं। रामानंद, देखो रामानंद 14वीं सदी की बात है, 14वीं सदी में आए थे। इनका जन्म हुआ था प्रयाग में, वर्तमान में इसका नाम इलाहाबाद, पहले इलाहाबाद था, पहले प्रयाग था, फिर इलाहाबाद हुआ, फिर प्रयाग नाम हो गया। तो कहाँ जन्म हुआ था? प्रयाग में। इन्होंने सीता राम की भक्ति पर अधिक से अधिक बल दिया, साथ ही साथ भक्ति आंदोलन को दक्षिण भारत से उत्तर भारत लाने का श्रेय रामानंद को दिया जाता है। और रामानंद एक ऐसे व्यक्ति थे, इन्होंने भेदभाव नहीं किया था और हर एक धर्म जाति के लोगों को अपनाया था, साथ ही साथ स्त्री और पुरुषों को समान स्थान दिया था। और इनके 12 शिष्य थे, कितने शिष्य थे? 12 शिष्य, उनमें हर एक जाति के थे, जो निम्न कुछ मैं आपको यहीं पर दिखाते हैं। जैसे 12 शिष्य थे तो 12 शिष्यों में धन्ना के कौन थे? जाट थे। सैनदास ये नाई थे। रविदास का नाम रैदास भी है, ये चमार थे। और कबीर ये जुलाहा थे, ठीक है। तो इन्होंने जातियों में कोई भेदभाव नहीं रखा। फिर आते हैं कबीर जो थे, ये सिकंदर लोदी के समकालीन थे। सिकंदर लोदी वो ही जिन्होंने आगरा की स्थापना की थी। आगरा की स्थापना जो हुई थी 1504 ईस्वी में हुई थी, किसने की थी? वो सिकंदर लोदी ने की थी। और साथ ही साथ ये सिकंदर लोदी जो है, तो ये गुलरुखी उपनाम से कविताएं भी लिखता था। कबीर ने हिंदू मुसलमानों को निकट लाने का प्रयास किया था और इनके दोहों को बीजक में संग्रहित किया है। कबीर के दोहे कहाँ मिलते हैं हमें? बीजक में मिलते हैं। और बीजक का जो संग्रहित किया था तो वो किसने किया था? भोगदास ने किया था। किसने? भोगदास ने। कबीर और धर्मदास के बीच संवाद हुआ था और उनके संवाद को जो सजा कर रखा है, तो किसमें है वो संवाद? अमर मूल में है। जो इनका संकलन है संवाद का, किसमें है? अमर मूल में। साथ ही इनकी मृत्यु कहाँ होती है? मगहर में। और मगहर वर्तमान में संत कबीर नगर, मगहर का नाम क्या हो गया? संत कबीर नगर, इन्हीं के नाम पर हो गया, क्योंकि यहाँ पर इनकी मृत्यु हुई थी मगहर में, तो मगहर का नाम बदलकर क्या रख दिया? संत कबीर नगर। कहाँ पर है ये? उत्तर प्रदेश में। गुरु नानक का जन्म जो हुआ था 1469 ईस्वी में था, तलवंडी में हुआ था। तलवंडी वर्तमान में पाकिस्तान में, पाकिस्तान के लाहौर में। मूर्ति पूजा, तीर्थ यात्रा, इसके क्या थे? ये कट्टर विरोधी थे और ये कहते थे कि इस पर जो है तो इस पर क्या है? निराकार है, लेकिन पुनर्जन्म में विश्वास रखते थे। अब निराकार मतलब इस पर का कोई भी आकार नहीं है, कोई उसका चित्र नहीं है, कोई उसकी पेंटिंग नहीं है, कोई भी मतलब उसका अक्ष नहीं है, और वो निराकार है मतलब कोई भी उसका आकार नहीं है, उसकी कल्पना की थी, जिसे इन्होंने कहा अकाल पुरुष की संज्ञा दी, मतलब जो काल से अर्थात काल से बाहर है, समय से बाहर है, टाइम से बाहर है, क्योंकि वो हमेशा से है, हमेशा से था, हमेशा से है, हमेशा से रहेगा, ऐसी इन्होंने कल्पना की है। और साथ ही कहती थी अकाल पुरुष की संज्ञा, सूफी संत बाबा फरीद से गुरु नानक जी काफी प्रभावित हुए थे, इसीलिए जो सिखों की एक धार्मिक किताब है आदि ग्रंथ, तो आदि ग्रंथ में बाबा फरीद के प्रवचन मिलते हैं। तो एग्जाम में पूछ लेता है कि कौन से सूफी संत के प्रवचन
फिर वचन आदि ग्रंथ में मिलते हैं तो वो किसके मिलते हैं? बाबा फरीद के, क्योंकि इनसे कौन प्रभावित था? गुरु नानक। साथ ही साथ गुरु नानक जो थे तो ये सिखों के प्रथम गुरु भी कहलाते हैं और सिखों के ये संस्थापक भी कहलाते हैं सिख धर्म के। इन्होंने शिष्य बनाए जो सिख कहलाए। मृत्यु हो गई थी 1538 ईस्वी में करतार में, वर्तमान में पंजाब में। चैतन्य, अब चैतन्य का वास्तविक नाम क्या था? विश्वंबर। ये वास्तविक नाम है, ध्यान रखना, इनका वास्तविक नाम है ये वास्तविक नाम विश्वंबर। जबकि बचपन का नाम जो था इनका निमाई था, और इन्होंने उपाधि जो मिली इन्हें विद्यासागर की, क्योंकि जब इन्होंने शिक्षा प्राप्त की थी तो शिक्षा प्राप्त करने के बाद ये विद्यासागर कहलाने लगे, उपाधि मिल गई थी विद्यासागर की। जन्म हुआ था इनका 1486 ईस्वी में नादिया में, और नादिया वर्तमान में कहा? बंगाल में। इन्होंने कृष्ण की भक्ति पर बल दिया था कि कृष्ण की उपासना करो। उड़ीसा के नरेश प्रताप रुद्र गजपति इनके शिष्य बने थे। कहां के? उड़ीसा के नरेश। तो एग्जाम में पूछ लेता कि उड़ीसा के नरेश प्रताप रुद्र सिंह रुद्र गजपति किनके शिष्य थे? तो किनके शिष्य थे? चैतन्य के या दिसंबर के। इनकी मृत्यु हो गई थी 1534 ईस्वी में, कहां पर? पुरी में। अब दादू दयाल का जन्म हुआ था 1544 ईस्वी में अहमदाबाद में, वर्तमान में गुजरात में। जो अहमदाबाद है कहाँ है? गुजरात में। और जुराह परिवार में हुआ था। ये कबीर के अनुयायी थे। ब्रह्मा संप्रदाय की इन्होंने स्थापना की, ब्रह्मा संप्रदाय की। शिष्य इनके शिष्य कौन कौन थे? सुंदरदास, रजक एवं सूरदास इनके शिष्य थे। यह सूर दास के गुरु कौन थे? दादू दयाल। मृत्यु कब हुई थी इनकी? 1603 ईस्वी में। कहाँ हुई थी? नारायण गांव में। और नारायण गांव कहाँ है? राजस्थान। राजस्थान में मृत्यु हुई थी। अब आते रविदास। रविदास के गुरु जो थे रामानंद, अर्थात ये रामानंद के शिष्य थे। इन्होंने निर्गुण ब्रह्मा की उपासना की। निर्गुण का मतलब जिसका कोई भी रंग रूप आकार कुछ नहीं है। साथ और साथ ही साथ निर्गुण ब्रह्मा के मतलब कि ये बाहरी आडंबरों का विरोध करते थे। एग्जाम्पल, मूर्ति पूजा के ये विरोधी थे, नमाज पढ़ने के विरोधी थे, रोजा रखने के विरोधी थे, और जो आपके बाहरी रूप से जितने भी धर्म कांड होते हैं, तीर्थ यात्रा होती है, उसके विरोधी थे। ये सभी उपासना मतलब जो बाहरी आडंबर है, तो सभी के क्या थे? विरोधी थे। ब्रज भाषा में इन्होंने अपने विचार रखे हैं। तो रविदास ने अपने जो विचार रखे हैं तो वो किसमें रखे हैं? ब्रज भाषा में रखे हैं। ठीक है, एक दो बार आप वीडियो देख लेना, आपके समझ में काफी आसानी से आ जाएगा ये। और यहाँ से एक दो ऑप्शन आपके बनने की पूरी संभावना रहती है। इससे पहले हमने भक्ति आंदोलन का एक हमने एक वीडियो इसकी डाल दी है, ये दूसरा भाग है, एक भाग इसका और आएगा। ठीक है, नहीं यहाँ से जितने भी आपके ऑप्शन बनेंगे एक दो बार वीडियो देख लोगे, कभी छूटेगा नहीं। ओके, थैंक्स।